हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। गाइस, जैसा कि कक्षा 9 का जो पाठ्यक्रम का परिचय था वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। आज हम लोग जो कक्षा 9 में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वह है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस, हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। जीवन के सबसे मौलिक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं, कोशिका, क्योंकि गाइस कोशिका के जीवन की सबसे सूक्ष्मतम मौलिक इकाई से क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि जो कोशिका है, कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, ऊतक। फिर इसके पश्चात ऊतकों के समूह को हम लोग अंगतंत्र कहते हैं, अंगतंत्र कहते हैं। फिर अंगतंत्रों के समूह को हम लोग अंग कहते हैं। फिर जो अंग के समूह को हम लोग शरीर कहते हैं, बॉडी। तो गाइस, इसमें सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो हुई हमारी कोशिका। इसीलिए कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। क्योंकि गाइस, कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को हम लोग अंगतंत्र कहते हैं, अंगतंत्रों के समूह को हम लोग अंग कहेंगे, अंग के समूह को हम लोग शरीर कहेंगे। क्योंकि अंग जैसे हमारे हो गए हाथ, पाँव, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इन सभी प्रकार के तंत्रों को हम लोग। तो गाइस, यह हो गया हम लोगों का, हम लोग कैसे जान गए कि जो जीवन की सूक्ष्मतम मौलिक इकाई होती है इसे हम लोग कोशिका कहते हैं। तो गाइस, अब हम लोग ये जानते हैं कोशिका होता क्या है, कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया। तो गाइस, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किए थे, इसके खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। खोजकर्ता जो कोशिका के खोज किए थे, ये किए थे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। गाइज, जो कोशिका है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। ये अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किए थे, अनगढ़, क्योंकि गाइज जो कोशिकाएं होती हैं वो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमें नग्न आँखों से नहीं दिख सकती, इसलिए इसमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ी। और जो रॉबर्ट हुक ने जिस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था उसे हम लोग अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी को के द्वारा इन्होंने तो कोशिका का खोज कर लिया। अब किस पर किया था, एक वृक्ष की खाल होती है जिसे हम लोग कार्क कहते हैं, कार्क की पतली काट पर, कार्क की पतली काट पर इन्होंने खोज किया था, कार्क की पतली काट पर। गाइस, यह जो कार्क होता है, एक वृक्ष की छाल होता है जो इन्होंने उस पर खोज किया, वृक्ष की छाल लिया जिसे कार्क के नाम से जानते हैं, उसके ऊपरी परत को निकाला जिसे कार्क के नाम से जानते हैं, तो उस पर अध्ययन किए। जैसे गाइस, मैं आपको बता दूं, जैसे जो प्याज होता है, प्याज भी एक प्रकार का, जो प्याज के ऊपर का जो एक लेयर पाया जाता है, परत पाया जाता है, उसे हम लोग उखाड़ कर उसके बारे में अध्ययन करें तो भी एक प्रकार की कोशिका में ही पाया जाएगा। जब उसमें अध्ययन करेंगे तो उसमें भी छोटे छोटे केंद्रक होंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से प्याज की ऊपरी परत पर छोटे छोटे लेयर पाए जाते हैं, हम लोग उसे उखाड़ कर देख सकते हैं। उसी प्रकार से कार्क भी एक प्रकार का खाल होता है, उस पर भी कार्क नाम का एक पतला सा परत पाया जाता है, इसे निकाल कर उसे जो रॉबर्ट हुक थे ये अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका का खोज कर लिए। गाइस, आपको कोशिका बहुत मतलब छोटा सा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन कोशिका के खोज के लिए, कोशिका के खोज के लिए ये कम से कम 8 वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया। हम लोग अभी उसे पढ़ेंगे। और गाइस, मैं आपको ये बताता चलूँ, जो कोशिका होता है इसका मतलब होता है छोटा कमरा, जो कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा, छोटा कमरा। गाइस, कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा। इसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा 1665 ईस्वी में कार्क की पतली काट पर कोशिका का खोज किया। फिर इसके पश्चात गाइस आते हैं इसके बारे में बताने वाले जो दूसरे वैज्ञानिक हैं, वो है लिउवेनहक, लिउवेनहक। ये
1674 ईस्वी में उन्नत सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये तालाबों में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले कोशिकाओं के बारे में बताया। विकसित कोशिका। गाइस, जो दूसरे वैज्ञानिक है हमारे ल्यूहेन हक, ये 1674 ईस्वी में उन्नत सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो तालाब है उसमें स्वतंत्र रूप से विकसित कोशिकाओं के बारे में बताया। इन्होंने तो कोशिका का खोज किया था, वो भी कार्क की पतली कार्ड पर और अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। और जो ल्यूहेन हक हैं, ये उन्नत सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तालाबों में स्वतंत्र रूप से विकसित कोशिकाओं के बारे में बताएं। फिर इसके पश्चात आते हैं इसमें तीसरे वैज्ञानिक जो हैं रॉबर्ट ब्राउन। ये 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक के बारे में पता लगाएं। गाइस, जो इसमें पहले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक, ये तो कोशिका के बारे में कोशिका की खोज की है कार्क की पतली कार्ड पर। और जो दूसरे वैज्ञानिक हैं, ये तालाब में स्वतंत्र रूप से विकसित कोशिकाओं के बारे में बताएं। फिर जो तीसरे वैज्ञानिक आ गए रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक के बारे में बताया। फिर इसके पश्चात जो चौथे वैज्ञानिक हैं बंद कर दें गाइस जो चौथे वैज्ञानिक हैं उनका नाम है जे ई पुरोंकज। ये 1839 ईस्वी में इन्होंने देखा कि जो कोशिका के अंदर कुछ जटिल तरल कार्बनिक पदार्थ, जो जटिल तरल कार्बनिक पदार्थ है, इसे इन्होंने कोशिका द्रव्य का नाम दे दिया। गाइस, जो इसमें जेई पुरोंकज वैज्ञानिक है 1839 ईस्वी में, ये जो इन्होंने देखा कि जो कोशिका है उसके अंदर कुछ है, जैसे ये कोशिका हो गया, ये केंद्रक हो गया, इसमें कुछ इस प्रकार के तरल जटिल कार्बनिक पदार्थ थे, जिसे इन्होंने कोशिका द्रव्य का नाम दे दिया। फिर इसके पश्चात गाइस जो पांचवे वैज्ञानिक आते हैं, इसमें दो वैज्ञानिक, एक हैं एम्स लीडन व टी स्वान नामक दो वैज्ञानिक 1838 से 1839 इन्होंने जो दो वैज्ञानिक एम्स लीडन व टी स्वान थे 1838 से 1839 ईस्वी में इन्होंने कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। गाइस, जो ये है ये कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिए। कोशिका सिद्धांत होता क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव प्राणी वनस्पति कोशिकाओं से बने होते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणी जीव जंतु मनुष्य वनस्पति कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। गाइस, इन्होंने 1838 से 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फिर इसके पश्चात आते हैं एक वैज्ञानिक और विर्चो। ये 1855 ईस्वी में आए और इन्होंने
या जो कोशिका सिद्धांत है इसको बढ़ावा दिया, कोशिका सिद्धांत को बढ़ावा दिया, कोशिका सिद्धांत को बढ़ावा दिया, प्लस बारे में भी बताया। गाइस जो छठवें वैज्ञानिक आए विर्चो 1855 ईस्वी में, इन्होंने जो एम्स लीडन व टी स्वान के द्वारा प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत था इन्होंने उसे पढ़ा और उसे बढ़ावा दिया, लोगों को उसमें कोशिका के बारे में बताया, जागरूक किया। फिर इसके पश्चात इन्होंने उसके बारे में भी बताया और उस सिद्धांत को बढ़ावा दिया। फिर इसके पश्चात सातवें में जब हमारे वैज्ञानिकों ने 1840 ईस्वी में, हमारे वैज्ञानिक जो थे 1840 ईस्वी में जब ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कर लिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी गाइस जो जब हमारे वैज्ञानिक लोग 1840 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कर लिए, तब जो हमारा कोशिका था उसके आंतरिक भाग के बारे में, क्योंकि यह जो अनगर सूक्ष्मदर्शी था और उन्नत सूक्ष्मदर्शी था यह उतने काबिले लायक नहीं थे जितने यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हुआ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विशेषता यह है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को देख सकता है तथा उसके आंतरिक भागों को भी आसानी से देख सकता है, ये सब क्वालिटी इसमें नहीं थी। इसलिए यह जो जब 1840 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया तो इन्होंने कोशिका के संपूर्ण भाग, जैसे कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति केंद्र, कोशिका द्रव्य, कोशिका अंगक, कोशिका अंगक के छह भाग हुए, जैसे हुआ कोशिका, कोशिका अंगक के छह भाग, कोशिका जालिका, इसके पश्चात फिर आता है प्लास्टिड, प्लास्टिड के बाद आता है रसधानियाँ, फिर इसको माइटोकांडिया, इन सब के बारे में जो ये इतने भाग थे इन सब के बारे में आसानी से अध्ययन हो सका तथा इसके क्या कार्य होते हैं, जो जंतु पादप की, जो जंतु की कोशिकाएं होती हैं और जो पादप की कोशिकाएं होती हैं ये इनमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं यह सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यह सब खोज हुआ किसके कारण, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के कारण। यह सब जो थे यह सब तो पता लगा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो गाइस यह हुआ कोशिका, कोशिका का नाम कितना छोटा लगता है, कोशिका, कोशिका का मतलब छोटा कैमरा, लेकिन कोशिका इतना इम्पॉर्टेंट है कि देखिए कोशिका के खोज के लिए इतने सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए तब जाकर कोशिका के बारे में पता चला। तो कोशिका के बारे में वर्णन करने में तीन सूक्ष्मदर्शियों की सहायता ली गई। पहला अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी जिसे रॉबर्ट हुक ने प्रयोग किया था, दूसरा उन्नत सूक्ष्मदर्शी जिसे लेवेन हक ने प्रयोग किया था, और 1940 ईस्वी में आया हमारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग उसके आंतरिक भागों के बारे में जाने। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने सन कितने में और किस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पता लगाया, तो कोशिका के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क की पतली काट पर कोशिका का पता लगाया। फिर इसके पश्चात दूसरे वैज्ञानिक लेवेन हक, इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तालाबों में स्वतंत्र रूप से विकसित कोशिका के बारे में पता लगाया। फिर इसके पश्चात आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में, इन्होंने कोशिका के केंद्र के बारे में पता लगाया। फिर इसके पश्चात आते हैं जेई पुरोंकज 1839 ईस्वी में, इन्होंने कोशिका के अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसे इन्होंने कोशिका द्रव्य का नाम दिया, और जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने इसे केंद्रक का नाम दे दिया, केंद्रक का नाम दे दिया। फिर इसके पश्चात आए दो वैज्ञानिक एम्स लीडन और टी स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु प्राणी वनस्पति मनुष्य कोशिकाओं से बने होते हैं। फिर इसके पश्चात आते हैं विर्चो 1855 ईस्वी में आए, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को बढ़ावा दिया और उसके बारे में लोगों को जागरूक किया। फिर इसके पश्चात जब हमारे वैज्ञानिक ने 1840 ईस्वी में
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कर लिए, तब इन्होंने उसके आंतरिक भागों के बारे में बताया। गाइस यह हो गया हम लोगों का आज का लेक्चर कोशिका के बारे में, और कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा, और कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहते हैं। तो गाइस कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग तंत्र, अंग तंत्रों के समूह को अंग, अंग से बना है हमारा शरीर। तो इसमें सबसे छोटा हमारा कोशिका है, इसलिए जीवन की सबसे सूक्ष्मतम व क्रियात्मक मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो गाइस यह हो गया आज कोशिका के बारे में यहीं तक। अब कल हम लोग कल के लेक्चर में कोशिका के निर्माण, कोशिका के प्रकार, फिर कोशिका के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।